दोस्तों आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। देखिए बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जो हमेशा पूछते रहते हैं कि भाई ऐसा लोकेशन बताओ जहाँ पे मछली का शिकार हो सके। तो दोस्तों ये पहचानने का चीज़ है, इस ऐसा लोकेशन अगर आप पहचान लेते हैं तो कम समय में ज़्यादा मछली का शिकार करते हैं। इस लोकेशन को आप देखिए, यहाँ पानी साफ़ है लेकिन हवा का जो रुख है वो देखिए किधर है। और देखिए यहाँ से हम दूसरे तरफ चलते हैं दोस्तों, वहाँ देखिए, जब हम वहाँ चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कहाँ मछली का शिकार हो सकता है। देखिए वीडियो में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है वो खाली जगह, बस वहीं पे मैं चल रहा हूँ। तो अभी आपको पता चलेगा दोस्तों कि कहाँ पर आपको बेहतर शिकार मिल सकता है मछली का। तो देखिए मैं दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ देखिए पानी के अंदर प्रतिक्रिया। दोस्तों आपको समझने का ज़रूरत है कि यहाँ हुआ क्या है। पहला वाला जो लोकेशन मैंने दिखाया आपको, और यहाँ देखिए यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मछली का शिकार कहाँ हो सकता है। लेकिन आपको जानकारी देना चाहिए, पहले जगह पर आप देखेंगे पानी तो साफ़ है लेकिन हवा का बहाव है जिसकी वजह से पानी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ पानी ठहरा हुआ है। दूसरा, इसके अगल बगल में जो घास पतवार है, जलकुंभी है, जिसके वजह से मछली को प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलता है, इसके वजह से मछली यहाँ पर है। देखिए यहाँ आपको पानी के अंदर अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से मछली ऊपर नीचे कर रही है। यहाँ पर ग्राउंड बेट अगर आप डालते हैं तो सुपर, ये तो बिना ग्राउंड बेट डाले इस तरह से मछली का प्रतिक्रिया है। तो अगर आप ग्राउंड बेट डाल करके यहाँ मछली का शिकार करेंगे तो कैसा लगेगा आपको सोचिए। पहले आप यहाँ ग्राउंड बेट तुरंत नहीं डालिए, पहले आप फिशिंग हुक में चारा लगा करके शिकार कीजिए। जब मछली मिलना कम हो जाए तो ग्राउंड बेट डालना है आपको। देखिए प्रतिक्रिया देखिए। तो दोस्तों मेरा मकसद यही था कि आपको लोकेशन दिखाया जाए कि मछली का शिकार कहाँ हो सकता है। तो ऐसे लोकेशन का चुनाव करें जहाँ पर चारों तरफ से घास पतवार हो, बीच में साफ हो। ऐसे जगह पर मछली का शिकार करेंगे तो कम समय में ज़्यादा मछली का शिकार आपको मिलेगा। पहले लोकेशन पर क्यों शिकार नहीं मिल सकता है, दो वजह है। एक तो दूर तक पानी साफ है, दूसरा हवा का बहाव है जिसके वजह से आप जब फिशिंग रॉड डालेंगे वहाँ पे तो आपको फिशिंग हुक का सिग्नल बराबर नहीं मिलेगा। बबलर जो है हवा की वजह से ऊपर नीचे होगा और गलत सिग्नल मिलेगा, मछली चारा खा करके भाग सकती है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रतिक्रिया देखिए मछलियों का, किस तरह से मछली यहाँ ऊपर नीचे हो रही है। तो अगर आप तालाब में ठहरे हुए पानी में शिकार करना चाहते हैं तो ये आइडिया कामयाब है दोस्तों। बहते हुए पानी में आपको इसी तरीके से शिकार करना होगा, लेकिन आप जहां घास पतवार है उसके दूसरे साइड में, यानी अगर दाहिने तरफ से पानी आ रहा है, बाएं साइड में पानी जा रहा है, तो बाएं साइड में, घास के बाएं साइड में आपको फिशिंग हुक डालना चाहिए। ये कामयाब तरीका ठहरा हुआ पानी में ज़्यादा असर करता है। इस तरीके से अगर आप शिकार करते हैं तो कम समय में ज़्यादा शिकार मिलता है दोस्तों। देखिए फिर से लोकेशन आप एक बार देख लीजिए, सामने देखिए वहाँ पानी साफ़ है लेकिन यहाँ पर कम साफ है। तो दोस्तों अगर ऐसा लोकेशन नहीं मिलता है तो अगर पानी का गहराई का आपको पता है तो थोड़ा दूर सफाई कर दीजिए, सफाई करके आप शिकार करेंगे तो बेहतर शिकार होता है दोस्तों इस तरीका से। एक चीज़ इसमें और बताना है दोस्तों, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि पानी का गहराई कैसा है, यहाँ पर कितना है, तो बस थोड़ा सा एक फुट दो फुट फिशिंग रॉड जहाँ पहुँच सकता है वहाँ साफ़ कर दीजिए फिशिंग रॉड से, फिर आप फिशिंग हुक डालिए, डाल करके शिकार कीजिए। अगर गहराई, ये गर्मी का मौसम है दोस्तों, अगर गहराई का पता नहीं है तो कम से कम 1 से 1.5 मीटर अपना फिशिंग हुक पानी के टॉप लेवल से नीचे रखिए और रख करके शिकार कीजिए तो बेहतर शिकार होता है दोस्तों। ये बड़ी मछली के लिए भी है और जो छोटी 100-200 ग्राम की मछलियाँ होती है उनके लिए भी ये आइडिया बेहतर है और बेहतर तरीके से कामयाब होता है। आप देखिए किस तरह से यहाँ मछली उछल रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कैसा लगा होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।